आज देश के राजा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आप बहुत करीबी हैं, तो और वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, देश के नागरिकों के लिए सोचते हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह सोचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव पीएम मोदी से अपील करते नजर आ रहे हैं। भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती के निर्माता ये सोचकर परेशान हैं कि वो अपनी फिल्म को कैसे रिलीज कर पाएंगे, जिसकी घोषणा 22 मार्च को कर दी गई है। उनकी फिल्म को CBFC ने देख लिया है, लेकिन बोर्ड की ओर से वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, जिसके बिना कोई भी फिल्म स्क्रीन नहीं की जा सकती। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव ने ना सिर्फ चेयरमैन से अपील की बल्कि पीएम मोदी से भी गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा है लाइव आकर सुनिए। आज देश के राजा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के आप बहुत करीबी हैं, तो और वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, देश के नागरिकों के लिए सोचते हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह सोचें। शायद ये प्रयास, क्योंकि किसी की मेहनत रोकी जा रही है और हम ठंड में मरमर के काम किए हैं सर, प्लीज एक कलाकार होने के नाते मैं उस चीज़ को समझ सकता हूं, और आप भी इस लाइन से ही हैं, आप भी फिल्म दुनिया से ही हैं, तो आपको भी पता होगा कि फिल्म में कितना मेहनत होता है, कितना क्रू मेंबर का प्रयास होता है, दिनों रात जग के, दिनों रात काम करके, थक के, ना सोने का ठीक, ना नहाने का, ना खाने का, उसके बावजूद भी एक बेहतर सिनेमा बनाने का प्रयास आदमी करता है। और आप जैसे लोगों को आदर्श बना के ही हम लोगों ने दुनिया में कुछ करने का कोशिश की है, और आपका तुलना हम नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि आप बहुत जीनियस हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, और जो राजा है इस देश का आप उसके करीबी हैं। तो अब एक अब इतने सारे नागरिकों का 30 से 35 करोड़ नागरिकों को ठेस पहुँचाने का कोई रीज़न नहीं बनता, और वो छोटा सा मैटर है, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है टाइटल को लेकर। हर हिंदी टाइटल पे हम लोगों ने पहले सिनेमा किया है, ऐसा नहीं कि कोई नया हुआ है, और ये आज पहली बार प्रॉब्लम हो रही है, वो भी ऐसे सिनेमा के साथ जो भोजपुरी की कायनात को बदल सकता है, भोजपुरी भाषा के भाषा को गौरवान्वित महसूस करा सकता है। लोग कहेंगे कि हाँ यार भोजपुरी भाषा में ऐसी चीज़ें बोलती है, तो मैं चाहूँगा अपनी जनता से भी कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, ताकि एक अपने भाषा के बचाव के लिए आप सबका बोलना ज़रूरी है, ताकि सर तक ये बातें पहुँचें, उनको भी लगे कि नहीं हमने इतने सारे लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने का, मैं ये नहीं कह सकता, बट कहीं ना कहीं रोकने से तो पहुंचेगी ना, लोगों के दिल के ठेस पहुंचेगी। तो प्लीज़ मैं वसुन जोशी सर से बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सर कि आप एक जीनियस हैं और आप हम लोगों के आदर्श हैं, और उस आदर्श में एक माइनस चीज़ें जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, और हम ही नहीं पूरे क्रू मेम्बर ने किया है। तो प्लीज़ सर आप थोड़ा सा इस पर ज़रूर विचार करिएगा।